दोस्तों, आपने सुना होगा कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी सच से दो कदम आगे चलता है। रामायण काल से हम सुनते आ रहे हैं कि हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है। इसी बात को हम अपने आप को एहसास कराने के लिए कितने ही सालों से दशहरे के पर्व पे रावण का पुतला फूंक रहे हैं। लेकिन अपने इर्द गिर्द नजर उठा के देखो और बताओ, इतनी कोशिशों के बावजूद भी क्या झूठ एग्जिस्ट नहीं करता? करता है ना। और आज टेक्नोलॉजी के युग में व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल जैसी एप्स ने दुनिया और भी छोटी कर दी है, कनेक्टेड बना दी है, जहां दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने में खबर सेकंडों में पहुंच जाती है, तो सच्चाई को बनाए रखना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। उसी झूठ से पर्दा उठाने के लिए मेरी भी एक कोशिश। बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड हाँ, वेरीफाइड एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, कर लीजिए प्लीज। कोरोना वायरस चीन में आतंक फैलाने के बाद अब पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में करने की ताक में है, और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था, 2 महीने गुजरने के बाद भी कोई वैक्सीन या एंटीडॉट नहीं निकल पाया है। अपने आप को इतना ताकतवर समझने वाला इंसान प्रकृति के सामने कभी कभी इतना बोना लगने लगता है। ये रहस्यमय वायरस चाइना में 2800 के करीब लोगों की जान लेने के बाद अब ईरान, साउथ कोरिया, इटली और जापान में कोहराम मचा रहा है। डेली कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ईरान में 88 केसेस में से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं साउथ कोरिया में 2300 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये नंबर हो सकता है आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन भारत की जनसंख्या का नंबर छोटा नहीं है। अगर आप मैप पे नजर डालेंगे तो पता चलेगा ईरान और भारत के बीच एक ही देश आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और पाकिस्तान कोरोना वायरस से कितना लड़ सकता है, इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि वुहान में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस लाने तक के पैसे नहीं है। वो YouTube वीडियोस बना बनाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी हमें भी बचा लो। भारत तीनों तरफ से कोरोना से घिर गया है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान। अब समय आ गया है कि हम कोरोना वायरस को गंभीरता से लें और समझें कि ये कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है। आप मेरी पिछली वीडियो से सब जानकारी ले सकते हैं। पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत से लोग इस वीडियो को ये कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि किस तरह चाइना की पुलिस लोगों को बेरहमी से पकड़ रही है, लेकिन सच बात ये है कि दिखाई गई वीडियो एक मिलिट्री में करवाई जाने वाली ड्रिल मात्र है। जी हाँ, चाइना का पुलिस प्रशासन ट्रेनिंग कर रहा है कि नौबत आने पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। आपने अपने ऑफिसेज में फायर ड्रिल देखी होंगी, इसमें आग लगने की हूबहू सिचुएशन को इमिटेट किया जाता है, और साथ ही रेस्क्यू टीम का आलंकन किया जाता है कि हम किसी आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इसे डिजास्टर रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। चाइना ने भी पुलिस फोर्स तैयार की है और उस यूनिट का नाम रखा है स्वैट, यानी कि स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स फोर्स, ताकि कोरोना को काबू किया जा सके। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग फालतू में अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, और बिना वेरीफाई करें सोशल मीडिया पे हो रही वायरल वीडियोस का विश्वास ना करें, ताकि झूठ नहीं बल्कि सच दो कदम आगे रहे।
आप इसमें मेरा सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी। प्लीज दोस्तों अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा के। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।